हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कमीज में प्लेट डालना सिखाऊंगी और इसकी कटिंग की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं, आई लिंक पर क्लिक करके देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये मैंने प्लेट के निशान लगा रखे हैं। और सबसे पहले हम मुड्डे की प्लेट डालेंगे। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बारीक सिलाई से निशान तक ले जाएंगे। यहाँ निशान पर डाउन कर लेंगे और इसे कपड़े पर उतार लेंगे ताकि हमारे धागे में अच्छे से बढ़ा सके और प्लेट खुले ना। ये हमारी एक प्लेट हो चुकी है। अब दूसरी प्लेट पर सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन रख के इसको भी उसी प्रकार से निशान पर ही डाउन करेंगे। ये थोड़ा और रेब है, थोड़ा अड़के हाथ से करना है। हमारी दूसरी प्लेट हो गई है। इसके बाद हम तीसरी प्लेट डालेंगे और किसी भी प्लेट को डाउन करने के बाद पक्की नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गांठ पड़ जाती है और वो चुभती है। ये हमारी एक साइड की प्लेट डल चुकी है। इसके बाद हम दूसरी साइड की प्लेट डालेंगे। अभी हमारी कमर वाली प्लेट है। निशान पर जाकर इसे डाउन कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमें आगे और भी वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके। और इसे सेंटर तक ऊपर लेके आएंगे और सेंटर से डाउन कर देंगे निशान तक। ये हमारी फ्रंट की प्लेट डल चुकी है। ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बाद हम अपना नाप चेक करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा कम है, इसे पूरा कर लेंगे। अब कमर का करेंगे। ये हमारा बिल्कुल ओके है। और अब हिप का चेक करेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसे हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम बैक की प्लेट डालेंगे। ये हमने निशान लगा रखे हैं। इसे निशान से शुरू करके सेंटर तक ऊपर लेते जाएंगे और यहाँ से डाउन कर लेंगे और कपड़े पर उतार लेंगे। इसे भी
इसी प्रकार से कर लेंगे। निशान से शुरू करके मार्जिन तक ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से डाउन करके कपड़े पर उतार लेंगे। ये हमारी पीछे की प्लेट भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद दोनों पल्लों को मिला लेंगे। निशान से निशान मिलाएंगे और ये हमारा प्लेट के कारण आधा इंच कम हो चुका है हिप पर भी, और ये पल्ले मिलाएंगे तो ये आधे इंच का हमारा फ्रंट का कम है और इसे मोटे वक्त बराबर कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।